This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by Ajit Makhijani लाए हैं आपके लिए personal loan offers, instant dispersal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके business का turnover. Contact us today for personal loan offer. समाचार ही नहीं विचार भी। कहते हैं जहाँ चाव आ रहा है, हम जो कार्य बिना स्वार्थ दूसरों के भले के लिए करते हैं उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। सत्यनपुरी निखिल गोले व अन्य लोगों द्वारा साईं धर्मदास गौशाला में गाय माता की दयनीय हालत का विषय उठाया था। इसका असर मनपा प्रशासन पर भी हुआ है। मनपा उपायुक्त डॉक्टर सुभाष यादव, पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण पवार व अन्य ने गौशाला का दौरा किया। दो दिन पहले एक मामला मेरे संज्ञान में आया कि जिसमें कुछ वीडियोस और कुछ न्यूज़ प्रसारित हुए थे सोशल मीडिया में कि साई धर्मदास गौशाला में एक गाय का लापरवाही की वजह से ज़्यादा गंभीर अवस्था हो गई है। ये इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए मैंने पशु संवर्धन विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर लक्ष्मण पवार से संपर्क किया और उनको यहाँ विनती की, यहाँ प्राचारण किया और आज हम संयुक्त रूप से डॉक्टर पवार और उनके सहयोगी सब डॉक्टर चंदन शिवे और सहयोगी अधिकारी कर्मचारी के समेत मैंने इस गौशाला को यहाँ भेंट दी है और उनका कुछ रिकॉर्ड देखने के लिए मैंने यहाँ विनती की। कुछ मिला, कुछ रिकॉर्ड उनका ठीक से नहीं मिला और इसमें वो गाय के ऊपर जो उपचार कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, उन डॉक्टरों से भी फ़ोन पे भी वार्ता हुई और हमने उनसे हम लेखी भी उनसे लेंगे कि उन्होंने उस गाय का किस तरह से इलाज किया और क्या हुआ था। उस गाय को इलाज में सफलता नहीं मिलने की वजह से परेल के BSPCA हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ऐसा हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। और उस गाय का क्या प्रोग्रेस है, जब तक हमारे सामने कुछ लिखित नहीं आता है तब तक हम उसका उनको देने के लिए हमने सूचित किया है और जो भी तथ्य हमारे सामने आएगा, अगर इसमें किसी का दोष है, किसी की दोषी की वजह से अगर उस गाय को कुछ हुआ है तो हम इसकी ज़रूर जाँच करेंगे और उसमें जो भी प्रावधान है उससे कड़ी से कड़ी हम उसकी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने सैनिटेशन विभाग के स्वच्छता मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ पवार साहब के साथ भी मैं यहाँ हूँ, स्वच्छता निरीक्षक थीटे भी यहाँ है और सब इन गौशालाओं को हमने नोटिस भी दिए हैं और 1,000 रुपये का हमने इनको आर्थिक दंड भी हमने इनको लगाया है। ऐसी ही कार्रवाई प्रशासन की ओर से सारी गौशालाएँ और तबेले की ओर से की जाएगी और मेरा इनसे अनुरोध है कि आपने ज़रूरी स्वच्छता रखें और अप्रिय दंडात्मक कार्रवाई से आप उसमें दूर रहिए, अन्यथा प्रशासन की वजह से इसमें और आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये सुनिश्चित है। हमको कल पता चला वो हादसा के बारे में। वैसे हमारे दवाखाने के डॉक्टर सतीश चंदन शिवे ने कल चक्कर मारा यहाँ पर, चक्कर मारने के बाद पता चला कि वो गाय को परेल के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। तो बाद में हिस्ट्री जब ली गई तो हिस्ट्री में ऐसा पता चला कि वो फिसल के गिर गई थी और पीछे के पैर में उसका मार था, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है ऐसे उनका कहना था। जो संबंधित डॉक्टर से मैंने फ़ोन पर बात किया था तो ये बाकी गौशाला में हम लोग ने टोटल देखा 78 जानवर है टोटल। थोड़ी सी प्रोटीन की कमी, खाद्य में प्रोटीन की थोड़ी कमी लग रही है, इसलिए सेंगदाना पेंड या कपासी खाने में ऐड करने के लिए हमने उनसे कह दिया। और यह हादसा क्यों हुआ एक बार उसकी सकोल चौकसी करके आगे का निर्णय लेंगे। हेल्पिंग हैंड संस्था के अध्यक्ष सत्यनपुरी व साथियों को इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और अन्य गौशाला में गाय माता की हालतों पर भी नज़र रखनी चाहिए। ऐसी कई चर्चाएं गौशालाओं के संदर्भ में सामने आती हैं पर कोई संस्था आगे नहीं आती। उम्मीद है हेल्पिंग हैंड इस बारे में आगे भी सक्रिय भूमिका निभाएगी। दिस फेस्टिव सीजन मीट ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। क्रिस्टल फाइनेंस व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोरस्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर पर्सनल लोन ऑफर।